नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और आज की वीडियो में मैं आपको Hyundai i20 के कुछ अच्छे पॉइंट्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इसके लुक्स के बारे में। नई i20 में आपको नए बम्पर्स मिलते हैं, थोड़ा सा कर्व ऐड कर दिया इसके बम्पर्स में और फॉग लैंप्स को भी रीडिज़ाइन करा गया है और मेरे अकॉर्डिंग ये पहले से बेटर दिखते हैं। फ्रंट बम्पर में इन्होंने एयर डक्ट्स भी ऐड करे हैं और एयर डक्ट्स की वजह से इस गाड़ी के एरोडायनामिक्स भी बेटर हो जाएंगे। और इसके डायमेंशंस की बात करी जाए तो उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। पेट्रोल टैंक 45 लीटर से 40 लीटर का कर दिया गया है और वो 5 लीटर इन्होंने इसके बूट में ऐड करे हैं और अब बूट स्पेस 280 की जगह 285 लीटर्स का हो गया। एलॉयज को भी रीडिज़ाइन करा गया है पर मुझे पहले वाले एलॉयज काफ़ी ज़्यादा बेटर लगते थे। लैंप्स की बात करी जाए तो आपको इसके टॉप मॉडल में प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं और LED DRLs आपको टॉप मॉडल से पहले ही मिलना शुरू हो जाते हैं। और टेल लाइट्स में आपको नया हॉरिजॉन्टल लाइट्स वाला पैटर्न मिलेगा जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पहले वाली टेल लाइट्स बहुत ज़्यादा बेटर थी। इसके टॉप और टॉप से एक नीचे वाले मॉडल के इंटीरियर्स में आपको दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं। सेफ्टी की तरफ देखा जाए तो उसका पूरा ध्यान रखा गया है क्योंकि ABS और एयरबैग्स आपको बेस मॉडल से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। कंफर्ट की बात करी जाए तो फेसलिफ्ट में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि 6-way एडजस्टेबल सीट, कूल ग्लव बॉक्स, रियर AC वेंट, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, रियर सेंटर आर्मरेस्ट। इसमें आपको डेड पेडल भी मिलता है, मतलब जब आप हाईवे पे क्रूज कर रहे होते हैं तो आपका लेफ्ट फुट इस डेड पेडल पर रेस्ट कर सकता है। आपको इसमें अब टच स्क्रीन भी मिलती है और उसी के साथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और GPS नेविगेशन भी। पार्किंग में आपकी हेल्प करने के लिए रिवर्स पार्किंग कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दोनों ही दिए गए हैं। और इसमें एक फीचर भी ऐड हुआ है जिसका नाम है iBlue। आप अपने मोबाइल में iBlue ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप को खोल के आप इस गाड़ी के ऑडियो सिस्टम को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसके साथ आपको एक ऑटो लिंक फीचर भी मिलता है। आपको अपने मोबाइल में Hyundai ऑटो लिंक डाउनलोड करना है, उसमें अपनी गाड़ी को रजिस्टर करना है और उसके बाद अपनी गाड़ी का ट्रैक रख सकते हैं कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, उसकी टॉप स्पीड क्या रही थी लास्ट टाइम और भी बहुत सारे फीचर्स हैं उस ऐप में। क्लच, स्टीयरिंग व्हील और गियरबॉक्स काफ़ी ज़्यादा लाइट और स्मूद है और इसी वजह से आपको सिटी ट्रैफिक में भी ड्राइव करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और इसी के साथ डिस्टेंस टू MT और लाइट फ्यूल इकोनॉमी का फीचर भी ऐड किया गया है। फ्लोर बम्प की बात करी जाए तो वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो अगर कोई रियर सीट में बीच में बैठता है तो वो लॉन्ग हाईवे राइड्स में इतना परेशान नहीं होगा। फ्रंट पिलर्स इतने ज़्यादा वाइड नहीं हैं और अगर आप माउंटेन्स पर ड्राइव कर रहे हैं तो कर्व्स पर आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिलती है और ड्राइव करना आसान रहता है। एवरेज की बात करी जाए तो कंपनी क्लेम करती है कि पेट्रोल वेरिएंट 19.86 लीटर पर किलोमीटर चलता है और डीजल वेरिएंट 24.95 किलोमीटर पर लीटर। हेडरूम की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं हेडरूम काफ़ी ज़्यादा है इस गाड़ी में। और लेगरूम की बात करी जाए तो ड्राइवर सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करी गई है जो कि है 5'10" और लेगरूम मुझे थोड़ा कम लगा। इनफैक्ट स्विफ्ट का लेगरूम इससे ज़्यादा बेटर था। गियरबॉक्स की बात करी जाए तो पेट्रोल में आपको 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है और डीजल में आपको 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। इसमें एक नया फीचर भी ऐड करा गया है, जैसे ही आप अपनी गाड़ी की कीज़ इस गाड़ी के पास लेके जाएंगे तो इसके साइड मिरर्स ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे और उसी के साथ आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, पुश बटन स्टार्ट और रियर वाइपर भी मिलता है। और प्राइस की बात करी जाए तो पेट्रोल वेरियंट स्टार्ट होता है 5.35 लाख से और डीजल वेरियंट स्टार्ट होता है 6.73 लाख से। तो ओवरऑल देखा जाए फीचर्स के मामले में गाड़ी पहले से थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, पर लुक्स की बात करी जाए तो इसकी टेल लाइट्स किसी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी और किसी को शायद बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के बताएं कि आपको नई i20 की टेल लाइट्स कैसी लगी। और जल्दी मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके कुछ ड्रॉबैक्स बताऊंगा। तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है तो दो बार सोचेगा मत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जयराम जी की।